So welcome to the डेली करंट अफेयर वीडियो. टुडे इज 30th of July 2022. आज के जितने भी करंट अफेयर्स बनते हैं उनको हम बारी बारी से डिस्कस करेंगे. सो द फर्स्ट वन इज व्हेन इज़ द इंटरनेशनल टाइगर डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर. इंटरनेशनल जो टाइगर डे होता है वो कब होता है? 27 जुलाई, 28 जुलाई, 29th और 30th जुलाई. तो इसका सही आंसर है आंसर सी, दैट इज 29th of July. पिछले कल जो है इंटरनेशनल टाइगर डे वॉज ऑब्जर्व्ड. सो इंटरनेशनल टाइगर डे हम कब से मना रहे हैं? दैट इज़ 2010 से हम इसको मना रहे हैं. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि आजकल टाइगर की पॉपुलेशन इंडिया में क्या पूरे वर्ल्ड में काफ़ी कम हो गई है. तो इसकी वजह से ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं. तो इंटरनेशनल टाइगर डे वॉज एब्जॉर्ब्ड इन 29th of July. इंटरनेशनल टाइगर डे वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 2010. अकॉर्डिंग टू WWF द करंट पॉपुलेशन ऑफ टाइगर इज़ ओनली 3900. ये आपने याद रखना है कि 3900 हमारे पास टोटल टाइगर है ऑल ओवर द वर्ल्ड. इंडिया इज़ द होम. इंडिया में सबसे ज़्यादा टाइगर्स हैं. अबाउट 70% जो टाइगर्स हैं वर्ल्ड के टाइगर्स हैं वो इंडिया में ही हैं. अब कुछ और क्वेश्चन हैं, लाइक वर्ल्ड नेचुरल कंजर्वेशन डे कब होता है? 28 जुलाई को आपने याद रखना है. 28 जुलाई को वर्ल्ड नेचुरल कंजर्वेशन डे और 29 को पहले कंजर्वेशन डे, दूसरा इंटरनेशनल टाइगर डे. तो उसके बाद वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ये सबको पता है, 1972 में आया था. प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में आया था. इंडियाज़ इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने का एक्ट आया था 1986 में. इंडिया को फॉरेस्ट एक्ट, इंडिया का जो फॉरेस्ट एक्ट आया था वो 1927 में आया था अंग्रेज़ों के टाइम में. और फॉरेस्ट को कंजर्व करने के लिए जो एक्ट आया वो आएगा 1980 में. ये भी आपने याद रखना है क्योंकि इस साल फॉरेस्ट सेंसस भी आ गया था, फॉरेस्ट रिपोर्ट भी आ गई है. तो इसकी वजह से ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है. नाउ नेक्स्ट वन इज एमटेक प्रोग्राम इन इलेक्ट्रिकल ट्रांसपोर्टेशन. इलेक्ट्रिकल जो ट्रांसपोर्टेशन है, इलेक्ट्रिक व्हीकल ट्रांसपोर्टेशन है, तो उसके लिए एमटेक प्रोग्राम कौन से इंस्टीट्यूट ने स्टार्ट किया है? IIT हैदराबाद, रोपड़, मंडी और जम्मू. द आंसर इज सी, IIT मंडी, दैट इज़ इन हिमाचल प्रदेश. द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दैट इज़ इन मंडी इंट्रोड्यूस्ड 2 ईयर्स मास्टर कोर्स इन इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्टेशन, जो व्हीकल्स है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ट्रांसपोर्टेशन के लिए, बसेस वगैरह के लिए. तो फर्स्ट बैच विल स्टार्ट फ्रॉम 2022. कौन से ब्रांच में? स्कूल ऑफ कंप्यूटिंग एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इन द स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग. तो इंजीनियरिंग से रिलेटेड है तो इंजीनियरिंग स्कूल ही है. फ्रॉम IIT मंडी, दैट इज हिमाचल प्रदेश. द कोर्स मेन्स, इसका मेन एम क्या है? फोकस ऑन द डिमांड एंड स्किल्ड पर्सनल. हमने स्किलफुल पर्सन तैयार करने हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए. इलेक्ट्रिक व्हीकल में आजकल हमारे पास इलेक्ट्रिक बाइक्स आ रही है तो उसमें आग लग रही है या कुछ और चीज़ें हो रही है, तो उनसे निपटने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्रीज़ के लिए हमने स्टूडेंट्स को तैयार करना है, स्किल्ड पर्सन को तैयार करना है. सो टू कंप्लीट हर घर जल 100, हर घर जल जो स्कीम थी उसको पूरा करने वाला 100 जो 100वीं जो डिस्ट्रिक्ट है इंडिया की, दैट इज़ इन चंबा हिमाचल प्रदेश. 100% स्मोकलेस एंड 100% LPG युक्त स्टेट कौन सी है? हिमाचल प्रदेश. फर्स्ट स्टेट है ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द इंडिया. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड इंडियाज़ फर्स्ट लोक अदालत, दैट इज़ जयपुर राजस्थान. ये आपने याद रखना है, कुछ ही दिन पहले बनी है फर्स्ट स्टेट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ करने वाली लोक अदालत. तो फर्स्ट ई लोक अदालत इज़ बिलासपुर छत्तीसगढ़. फर्स्ट पेपरलेस हाई कोर्ट, दैट इज़ केरला. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज IAF इंडियन एयरफोर्स सेट टू रिटायर ऑल 4 MiG-21 स्क्वाड्रॉन बाय 23, 24, 25 और 26. द आंसर इज सी, 2025. द इंडियन एयरफोर्स इज सेट टू रिटायर वन ऑफ इट्स 4 रिमेनिंग स्क्वाड्रॉन ऑफ एजिंग MiG-21 फाइटर जेट्स इन सेप्टेम्बर विद अदर 3 शेड्यूल्स टू बी फेज आउट ओवर द नेक्स्ट 3 ईयर्स. तो एक हम एक को रिटायर कर देंगे इसी साल सेप्टेम्बर में एंड बाकी 3 विल बी रिटायर्ड ओवर द नेक्स्ट 3 ईयर्स.
So up to 2025. So जुलाई 28 बारमेर में एक क्रैश हुआ है. टू फाइटर पायलट्स हैज़ बीन डेड. सो इसके चलते मिग 21 जो है बहुत ही पुराना हेलीकॉप्टर है, दैट इज़ टू बी रिटायर्ड. तो हमारे पास चार ही बचे हुए हैं, 4 मिग 21. सो ऑल टू बी रिटायर्ड अप टू 2025. सीएम सारथी योजना. सीएम सारथी योजना इज स्टार्टेड बाय यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश और झारखंड. द आंसर इज डी, दैट इज झारखंड. सो इट इज़ रिलेटेड टू द फ्री कोचिंग टू द स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस. सो गवर्नमेंट फ्री कोचिंग करवाएगी फॉर द स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस लाइक पीएससीज और पीएसयूज एंड यूपीएससीज, स्टेट सर्विसेज एट्सेट्रा. सेम टाइप ऑफ योजना इज बींग स्टार्टेड बाय मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना, दैट इज स्टार्टेड बाय यूपी. सेम फ्री कोचिंग टू द स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस एंड अनुप्रति योजना, राजस्थान. सेम फ्री कोचिंग फॉर द स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस. सो कुछ एक मिशन हैं. मिशन इंद्रधनुष वो जो स्टार्ट हुआ था, दैट इज़ 25 दिसंबर 2014 पूरे इंडिया में. फॉर, ये किससे रिलेटेड है? फॉर वैक्सीनेशन ऑफ चाइल्ड एंड वुमेन. सेकेंड वन इज़ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, दैट वॉज स्टार्ट इन 2015, स्टार्टेड फ्रॉम पानीपत हरियाणा. किससे रिलेटेड है? एजुकेशन ऑफ गर्ल चाइल्ड. उज्ज्वला योजना, एक उज्ज्वला वन था, एक उज्ज्वला 2.0. उज्ज्वला वन 1 मई 2016 को एंड उज्ज्वला 2.0 2021 को स्टार्ट हुआ था. जो फर्स्ट योजना थी वो स्टार्ट हुई थी हमारे पास बलिया यूपी से, और सेकंड वन इज स्टार्टेड फ्रॉम महोवा एमपी. तो इसमें हमने 50 मिलियन एलपीजी कनेक्शंस जो देने हैं बीपीएल के वुमेन के लिए देना है. उसके बाद सौभाग्य योजना, दैट इज़ स्टार्टेड फ्रॉम 25th ऑफ सेप्टेम्बर 2017. सौभाग्य योजना पैन इंडिया. सौभाग्य मीन्स इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ हाउस होल्ड, जितने भी हमारे पास हाउस होल्ड है उनके इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए. उसके बाद आयुष्मान भारत योजना, 23rd सेप्टेम्बर 2018. फ्रॉम आयुष्मान भारत फ्रॉम रांची झारखंड, मीन्स 5 लाख रुपये फैमिली हेल्थ इंश्योरेंस के लिए दिया जाएगा. नौ किसान सम्मान निधि 2019 से स्टार्ट हुआ था फ्रॉम गोरखपुर यूपी. 6,000 रुपीज़ पर ईयर टू द फार्मर इन द इंस्टॉलमेंट्स, 3 इंस्टॉलमेंट 2,000 रुपीज़. नाउ फिफ्थ इज सेवन्थ एडिशन ऑफ फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप 2022 इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इन इंडिया, चाइना, कतर और अर्जेंटीना. तो अंडर 17 वोमेन फीफा वर्ल्ड कप 2022 इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इन इंडिया. तो कुछ क्वेश्चंस है रिलेटेड टू स्पोर्ट्स लाइक इंग्लिश प्रीमियर लीग 2022 वॉन बाय मैनचेस्टर सिटी, 6 टाइम विनर, रनर अप कौन रहा है? ईस्ट विला. ना संतोष ट्रॉफी 2022 वॉन बाय केरला, किसको हरा के? वेस्ट बंगाल. डूरेंट कप 2022 का भी नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट है. डूरेंट कप 2021 एफसी गोवा इज़ द विनर. फीफा वर्ल्ड कप 2022 इज बीइंग हेल्ड इन कतर एंड फीफा वर्ल्ड कप 2026 कहाँ पे होगा? कनाडा, मेक्सिको एंड यूएसए, दैट इज़ नॉर्थ अमेरिका. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु रिसेंटली पास्ड अ रेजोल्यूशन दैट रिकॉग्नाइजेज द हेल्दी इन्वायरमेंट एज ह्यूमन राइट. मतलब कि हेल्दी इन्वायरमेंट एक ह्यूमन राइट है. ये किसने रेजोल्यूशन पास किया है? UNDP, UNGA, UNHRC और UNSC. सो आंसर इज़ बी, दैट इज़ UNGA. UNGA मिल यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली. सो यहाँ पे हमारे पास यूनाइटेड नेशन के 6 बड़े बड़े मेंबर्स हैं, मतलब कि 6 इसकी पेरेंट इसकी बॉडीज़ हैं. उसमें से जो बॉडीज़ है, फर्स्ट इज़ यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरीट. सारी की सारी बॉडीज़ कब स्टार्ट हुई है? 24th ऑफ अक्टूबर 1945 में, ठीक है. यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरीट, एंटोनियो गुटेरेस इसका सेक्रेटरी जनरल है, हेडक्वार्टर इज एट न्यूयॉर्क. UNGA मतलब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली. सो ये भी 1945 में हुआ था,
एस्टेब्लिश हुई थी। इसके जो प्रेसिडेंट है दैट इज़ अब्दुल्ला शाहिद, और इसका सेंटर भी कहाँ पे है, न्यूयॉर्क में। आपने ये ध्यान रखना है कि जो छः हैं इसकी बॉडीज़ यूएन की, उसके चार के हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, 1, 2, 3 एंड 4। और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस उसका जो हेडक्वार्टर है दैट इज़ एट नीदरलैंड द हेग। इसके जो प्रेसिडेंट है दैट इज़ जॉन डोनोगुए। एंड यूएन सिक्योरिटी काउंसिल इसका भी न्यूयॉर्क में है। इसके प्रेसिडेंसी किसके पास है आजकल, ब्राज़ील के पास। ये हर मंथ चेंज होती रहती है, हर कंट्री के पास एवरी मंथ चेंज होती रहती है। तो आजकल ये ब्राज़ील के पास है, रोनाल्डो कोस्टा फिलो इसके प्रेसिडेंट है। उसके बाद यूएन यूएन इकोनॉमिक सोशल काउंसिल, यूएन इकोनॉमिक सोशल काउंसिल और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इनके जो हेडक्वार्टर्स हैं वो अलग अलग हैं, बाकी सबके न्यूयॉर्क में हैं। सो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, न्यूयॉर्क में पहले था, अब कहाँ पे है, जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में। यूएन ट्रस्टीशिप काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल का है एने ग्योगेन प्रेसिडेंट, और कहाँ पे हेडक्वार्टर है, न्यूयॉर्क में। नाउ हरेली फेस्टिवल, हरेली फेस्टिवल कहाँ पे है सेलिब्रेट किया जाता है, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़ और झारखंड। आंसर इज सी दैट इज़ छत्तीसगढ़। आपने ये ध्यान रखना है जो हरेला है वो उत्तराखंड में है, जो हरेली है वो है छत्तीसगढ़ में। इन दोनों को याद रखो, ठीक है। उसके बाद थाईपुसम, टी फॉर तमिलनाडु, ओके। बतुकम्बा हमारे पास है तेलंगाना का फेस्टिवल। उसके बाद रज महोत्सव कहाँ पे आता है हमारे पास, उड़ीसा में, जो अभी पिछले मंथ हुआ था। उसका नौखाई भी उड़ीसा का है, धनु जात्रा भी उड़ीसा का है। तो आप ये तीन याद रखो, उड़ीसा के रज महोत्सव, नौखाई एंड धनु यात्रा। उसके बाद खीर भवानी मेला आपने याद रखना है, जम्मू कश्मीर। खजुराहो डांस फेस्टिवल, तो खजुराहो के मंदिर कहाँ है, मध्य प्रदेश। सरहुल फेस्टिवल कहाँ पे है, झारखंड में। सो लोसांग पता है सिक्किम, लोसर लद्दाख, न्यू ईयर हैप्पी न्यू ईयर होती है हमारे पास लद्दाख की। उसके बाद कच्चाई लेमन, लेमन कहाँ पे होते हैं, जो खट्टे वाले होते हैं, जहाँ पे ज़्यादा बारिश होती है, दैट इज़ इन मणिपुर। सो लेवेंडर फेस्टिवल कहाँ पे होता है, J&K में। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु रिलीजेज द बुक्स शोइंग पिक्चर ऑफ प्रेजिडेंट कोविंद एंड हिज प्रीडिसेसर्स, मतलब कि जितने भी हमारे पास प्रेजिडेंट्स हैं उसके बारे में दिखाएगा कि कौन कौन से प्रेजिडेंट थे, उनका टेन्योर किस तरह से रहा था। तो किसने रिलीज की है बुक, बाय अनुराग ठाकुर, स्मृति ईरानी, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल और नरेंद्र मोदी। द आंसर इज ए दैट इज़ अनुराग ठाकुर। तो अनुराग ठाकुर ने तीन बुक्स जो है रिवील की हैं, जो कि प्रेसिडेंट के बारे में बताते हैं, कहाँ पे वो रहते हैं, प्रेसिडेंट हाउस के बारे में बताते हैं, द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में बताते हैं। सो तीन बुक्स रिवील की गई। फर्स्ट बुक वॉज मूड्स मोमेंट्स एंड मेमरीज, मूड मोमेंट्स एंड मेमरीज किसकी, प्रेजिडेंट की। हैज़ ए कलेक्शन ऑफ रेयरली सीन इमेजेज ऑफ फॉर्मर प्रेसिडेंट, जितने भी प्रेसिडेंट हुए इंडिया के 1950 से 2017 तक, तो जितने भी प्रेसिडेंट हुए उनके बारे में मूड्स मोमेंट्स एंड मेमोरीज, उनके कुछ फोटोज़ की कलेक्शंस है। दूसरी बुक जो है वो द फर्स्ट सिटीजन पिक्टोरियल रिकॉर्ड ऑफ प्रेसिडेंट कोविंद, रामनाथ कोविंद जो प्रेसिडेंट थे उनका रिकॉर्ड दिखाया गया है कि किस तरह से उन्होंने किया है, द फर्स्ट सिटीजन। थर्ड बुक है हमारे पास इंटरप्रेटिंग ज्योमेट्रीज, मतलब ज्योमेट्रीज मतलब कि रिलेटेड टू फ्लोरिंग, कौन कौन सी है राष्ट्रपति भवन में, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या है, एनालिसिस किस तरह की होती है, प्ले ऑफ ज्योमेट्री अप्लाइड टू इवॉल्व द यूनिक फ्लोरिंग पैटर्न किस किस तरह से आया हमारे पास राष्ट्रपति भवन के बारे में। तो ये तीनों बुक्स हमारे पास राष्ट्रपति भवन के, ये राष्ट्रपति भवन के बारे में, ये रामनाथ कोविंद के बारे में, और पहले वाली मूड्स मोमेंट्स मेमोरीज ऑफ ऑल द प्रेजिडेंट्स। उसके बाद नाइन्थ, फर्स्ट स्टेट ऑफ इंडिया टू लॉन्च सेमीकंडक्टर पॉलिसी, कौन सी स्टेट है जिसने सेमीकंडक्टर पॉलिसी लॉन्च की है, कर्नाटका, महाराष्ट्र, गुजरात और आंध्र प्रदेश। आंसर इज सी दैट इज़ गुजरात। हम यहाँ पे बता दो, जो कर्नाटका का बेंगलुरु है उसी को सिलिकन वैली भी बोलते हैं, वहाँ पे सबसे ज़्यादा सेमीकंडक्टर का काम होता है और वो बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज भी वहाँ पे हैं, तो सिलिकन वैली। अब गुजरात ने क्या कर दिया, अपनी एक सेमीकंडक्टर पॉलिसी जो है लॉन्च कर दी है गुजरात ने। इसका एम क्या है, गुजरात को
टॉप बनाना है, पायोनियर बनाना है इन डेवलपिंग इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिज़ाइन, इलेक्ट्रॉनिक के जो कंपोनेंट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के जो डिवाइसेस हैं, डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग है, वो जो यूनिट्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लगाना चाहता है कौन, गुजरात। उसके बाद गुजरात सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2022 से 2027 तक ये पॉलिसी है। इसमें इनका मोटो क्या है मेन, 2 लाख न्यू जॉब्स आएंगी, ठीक है, और दूसरे जो सिटी बोलेगी उसको बोलेंगे अब सेमीकॉन सिटी नंबर 2। ये दोनों बातें आपने याद रखनी है, 2 लाख न्यू जॉब्स, सेमीकॉन सिटी, और 5,000 से 10,000 एकड़स में ये फैलेगी ये वाली सिटी। कहाँ पे, ढोलेरा स्पेशल इन्वेस्टिगेशन रीजन में, जो ढोलेरा वहाँ पे एक सिटी टाइप है, तो वहाँ पे ढोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन में हम ये सेमीकन सिटी बनाएंगे। 2 लाख न्यू जॉब्स आएंगी, 5,000 से 10,000 एकड़स तक की तक का इसका फैलाव होगा। गुजरात सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2022 से 2027 तक। नाउ 10th वन इज विच कंट्री लॉन्च्ड गोल्ड क्वाइंस एज लीगल टेंडर टू टैकल इन्फ्लेशन। तो हमारे पास एक कंट्री है दैट इज़ जिम्बाब्वे, जो आजकल बहुत ही ज़्यादा रिसेशन में है, उनमें बहुत ही ज़्यादा उनकी करेंसी बहुत ही ज़्यादा डाउनफॉल हो गई है, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा आई है, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, 200% से ऊपर भी उनकी महंगाई पहुंच गई है। सो उसको टैकल करने के लिए उन्होंने क्या कर दिया है, गोल्ड के कॉइन्स स्टार्ट कर दिए हैं, और उस गोल्ड के कॉइन का नाम आपने याद रखना है मोसी ओया टुनिया उसका नाम है। तो रिज़र्व बैंक ऑफ जिम्बाब्वे ने क्या किया कि 2000 कॉइन्स जो है मोसाई टुनिया जो गोल्ड कॉइन है वो रिज़र्व बैंक ऑफ जिम्बाब्वे वहाँ के जो कमर्शियल बैंक है उनको दे देगा फॉर एक्सचेंज के लिए। आफ्टर द एनुअल रेट इन्फ्लेशन, एनुअल एक साल में जो इन्फ्लेशन का रेट है वहाँ पे 190% से ऊपर चला गया है, जिसकी वजह से बैंकों को क्या करना पड़ रहा है, अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ रहा है। सो जो इंटरेस्ट रेट है वो डबल से भी ज़्यादा हो गया, 200% से भी ज़्यादा हो गया, तो वहाँ पे बहुत ही बुरे हाल है। वहाँ पे जो करेंसी है उसकी वैल्यू डॉलर के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा कम हो गई है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ब्लैक मार्केटिंग हो रही है US डॉलर की। सो इन ऑर्डर टू स्टॉप दैट थिंक 2000 कॉइन्स जो हैं गोल्ड कॉइन वो जिम्बाब्वे की गवर्नमेंट ला रही है। द कॉइन को बोलते हैं हमारे पास मोसिया टुनिया, उसका मतलब ये टोंगा की लैंग्वेज है, टोंगा कहाँ की लैंग्वेज है, जिम्बाब्वे की, अफ्रीका जिम्बाब्वे की है टोंगा लैंग्वेज, मोसी ओआ टुनिया बोलते हैं, उसका मतलब ये होता है द स्मोक विच थंडर, इस तरह का स्मोक जो कि आवाज़ करता है, थंडर की तरह आवाज़ करता है। सो ये रेफर करता है हमारे पास विक्टोरिया फॉल्स जो है वहाँ पे उनको, और ये टोंगा लैंग्वेज में है मोसी ओआ टुनिया। तो मोसी ओआ टुनिया इज अ गोल्ड कॉइन विच इज लॉन्च्ड बाय द जिम्बाब्वे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ यू वॉन्ट द PDF ऑफ दिस लेक्चर प्लीज कमेंट।